विश्व के महान काम सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों ने नहीं किए बल्कि छोटी उम्र के लोगों ने भी किए हैं। जब आप इतिहास उठाकर पढ़ेंगे तो जानेंगे कि युवकों द्वारा किए गए कारनामों से ढेरों किताबों के पन्ने भरे पड़े हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, आधुनिक भौतिकी के पितामह कहे जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम विज्ञान के क्षेत्र में बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने 26 साल की उम्र में ही सापेक्षता का सिद्धांत इजाद कर दिया था। महात्मा गांधी, बापू का नाम सारा विश्व बड़ी श्रद्धा और सम्मान से लेता है। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जब वे 24 साल के थे तब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति का विरोध करने के लिए सत्याग्रह किया था, जो बाद में भारत को आजाद कराने में भी सहायक बना। अब महात्मा गांधी को मानवता का सबसे बड़ा पुजारी माना जाता है। वॉल्ट डिज्नी, जिनके नाम पर इतना बड़ा डिज्नीलैंड बना, उन्हें एक समाचार पत्र की कंपनी ने यह कहकर निकाल दिया था कि तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करते रहे, फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और दुनिया पर छा गए। सिकंदर ने सिर्फ 20 साल की उम्र में ही राजगद्दी प्राप्त कर ली थी और 27 साल की उम्र में उसने लगभग आधी दुनिया जीत ली थी। इसलिए आज सारी दुनिया इस सम्राट को महान सिकंदर द ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से जानती है। ब्लेस पास्कल को अब विश्व का सबसे बड़ा गणितज्ञ माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 16 साल की उम्र में ज्योमेट्री पर पुस्तक लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई। जब वे 19 साल के हुए तो उन्होंने संकलन यंत्र यानी कि एडिंग मशीन का आविष्कार किया था। अब उसका उपयोग संगीत को संवारने में किया जाता है। जेम्स वॉट का नाम हर कोई जानता है। रेल की पटरियों पर भाप का इंजन उन्हीं के सिद्धांत पर दौड़ता है। रात दिन नए प्रयोगों में जुटे रहने वाले जेम्स वॉट ने जब ये कारनामा किया उस समय उनकी उम्र केवल 25 साल थी। अलेक्जेंडर ग्राम बेल टेलीफोन का आविष्कार एक क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने 20 साल की उम्र में बेहतर टेलीफोन बनाने की कल्पना कर ली थी और 27 साल की उम्र में टेलीफोन बना लिया था। थॉमस एल्वा एडिसन, विद्युत के आविष्कार में थॉमस एल्वा एडिसन का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा बनाया बल्ब का उपयोग पूरी दुनिया में होता है। यह आविष्कार उन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में किया था। बाद में उन्होंने और कई आविष्कार किए जो किसी चमत्कार से कम नहीं माने जाते हैं। सिगमंड फ्राइड, मानव के प्रतिदिन के व्यवहारों का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत फ्राइड सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को सिगमंड फ्राइड ने मात्र 29 साल की उम्र में इजाद किया था। राइट ब्रदर्स, हवाई जहाज अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का बेहद उपयोगी साधन बन चुका है। यातायात के क्षेत्र में हवाई जहाज ने सचमुच चमत्कार करके दिखाया है। इसका श्रेय राइट बंधुओं यानी विल्बर राइट और ऑयल राइट को जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि जैसी अद्भुत पुस्तक लिखने वाले रविंद्र टैगोर जी का नाम कौन नहीं जानता। उन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में इसकी रचना की जिससे सारे भारत में एक महान कवि का उदय हुआ। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी इस रचना पर नोबेल पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, इन लोगों की सफलता से पता चलता है कि चमत्कार करने की कोई उम्र निश्चित नहीं होती। कोई भी किसी भी उम्र में चमत्कार कर सकता है और सफल हो सकता है। जब तक लगाम ना कसी जाए तब तक घोड़ा नहीं दौड़ता, जब तक भाप ना बने तब तक इंजन नहीं चलता, जब तक सुरंग में से ना गुजरा जाए तब तक प्रकाश का पता नहीं चलता। ठीक वैसे ही कोई भी मनुष्य तब तक महान नहीं बन सकता जब तक कि एकाग्रता, समर्पण और जुनून उसके अंदर ना हो। दोस्तों, हमारे वीडियो से हमेशा जुड़े रहने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा टाइम पे मिलती रहे। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमें इस वीडियो के प्रति आपके बहुमूल्य विचार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।